तमाम वोट हैं। लेकिन बहुत भीड़ है मेरे साथ, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, लेकिन मेरे पास एक छोटा वोटर है विभोज, मैं उससे रूबरू कराऊंगा हरदोई का, ये है सचिन। देखिए बहुत छोटे भीड़ में छोटे दिख रहे हैं, मैं इनको गोदी में ही ले लेता हूँ। देखिए ये सचिन, कितनी उम्र है आपकी? 30 साल। 30 साल है इनकी उम्र। यहाँ विवेक 30 साल है, तो वोट दिया जी। दिखाओ वोट। अच्छा, हाइट कितनी तुम्हारी? 4 फुट। ये 3.5-4 फीट के हैं, तो इसलिए भीड़ में थोड़े से नीचे हैं, तो मैंने इनको गोदी में ले लिया है कि बेचारे कम से कम टीवी पे दिखे। लेकिन वोट किसको दिया? भाजपा को दिया। नितिन अग्रवाल। तो क्या बीजेपी खुश, योगी सरकार से खुश है आप? बहुत खुश है। बहुत खुश है, क्यों? योगी जी क्यों पसंद है आपको? विकास किया, अच्छा विकास किया है जी। तो लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगी? बीजेपी हरदोई में या पूरे यूपी में? पूरे यूपी में। अच्छा, तो शादी हो गई तुम्हारी? अभी नहीं। इनकी शादी नहीं हुई है, हालांकि 4 फीट हुआ है ना, तो शादी नहीं हुई है, तो लेकिन तो जीत जाएगी बीजेपी। चलिए, इनको गोदी में इसलिए उठा लिया, भीड़ में बेचारे रह जाते। चलिए और लोगों से पूछा, आपको लग रहा है बीजेपी आ जाएगी? बिल्कुल 100%। हरदोई में कमल खिल जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं जी न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 70 साल का इतिहास टूटेगा, 156 विधानसभा में फूल खिलेगा। और हरदोई में तो कमल खिलता नहीं कभी, क्योंकि बस नितिन अग्रवाल या नरेंद्र। हरदोई का ये हिसाब है कि 8 में से 8 सीटें मिलकर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम करा जाएगा जो उत्तर प्रदेश के लोग सब हरदोई पे। सर एक बड़ा बात है, क्या बीजेपी की वजह से आपने वोट दिया, या आपको लग रहा है नितिन अग्रवाल एक छत्र राज करते हैं, क्योंकि नरेश अग्रवाल का ही यहाँ पे इलाका है, उनका ही दबदबा? नितिन अग्रवाल जी की वजह से तो हम लोग उनसे तो जुड़े हैं, आज 35 साल मुझे जुड़ा हो गया है अग्रवाल परिवार से। और इस बार जो है हम लोग बीजेपी में चुकी है, तो जयप्रकाश ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने नितिन अग्रवाल को देखा है और इतिहास बदलने जा रहा है। देखिए ये सारी चीजें तो 10 मार्च को ही तय होंगी, जब रिजल्ट आएगा, मतपेटियां खुलेंगी, ईवीएम बताएगा कि क्या वाकई में इन दावों में दम था या फिर